स्वागत है आप सभी का एसएस न्यूज़ में। मैं आपके साथ मुस्कान। विजयपुर शहर में स्थित खाजा नगर में एक घटना घटी है, जहां पर उग्रवादियों ने घर के सामने खड़ी बाइक, ऑटो समेत सब कुछ क्षतिग्रस्त कर दिया है। उन्होंने पथराव कर करीब 7 बाइकें क्षतिग्रस्त कर दी है, और साथ ही स्थानीय लोगों का इस पर आरोप है कि 3 से ज्यादा ऑटो की सीटें भी पूरी तरह से खराब कर दी गई है। इसके लिए खाजा नगर निवासियों ने मांग की है कि पुलिस की कड़ी कार्रवाई इस पर की जानी चाहिए, और साथ ही इस घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर घटना गांधी चौक थाना के अंतर्गत की बताई जा रही है। तो वहीं निवासियों की मांग है कि रात के समय यहां पर पुलिस एक दफा पहरा दे तो बेहतर होगा और इस घटना को रोका जा सकता है। इस तरह का कहना है नगर निवासियों का। ये वार्ड नंबर 28 में कोट दीवाल पास खाजा नगर में रात को करीब 1:30 बजे ये जितने भी बाहर गाड़ियां, मोटरसाइकिल, जितने भी थेरेस हैं उनको फतरे डालने का और लाइट हेडलाइट फोड़े और उनके सीटा को चाकू से मारे सा है। तो पुलिस को इससे पहले भी एक बार हमें इंटीमेशन दिए सा है राइटिंग में कि जब भी घर के बाहर से लॉक कर को फतरे फेंकते थे तो पुलिस से एक रिक्वेस्ट क्या है, अगर को बोले तो रात में कम से कम 1 से 2 बार एक पुलिस को कंपल्सरी यहाँ ये करना। नाइट राउंड में फिरते गएगा तो ये जो गांजे के नशे में आज बच्चे धांधल कर रहे हैं उनको ज़रा अपने हिसाब से समझाए तो अच्छा रहता। आज बीजापुर की हालत ऐसी है, जान जवान बच्चे हैं जो अभी 8th 9th के नहीं वो गांजा बैट को खींच रहे हैं आज है। तो इससे उनकी बड़े उम्र होने के बाद हालत क्या होगी ये सोच सकते थे मैं। और ये मावा गुटखा जो भी है ये गवर्नमेंट से एक अपील है, वो वे सत्ता जल्द से जल्द इसे बैन करे तो बहुत अच्छा रहता है। कि बोले तो आज इतना फास्ट कैंसर हो रहा है, तुम्हें वो एक सब मिला को एक 40-50 हज़ार रुपये पूरे नहीं कमाए रहे थे तो 4-5 लाख रुपए का आज खर्चा आ रहा है उसे, ये भी सोचो। आज छोटे उम्र में बच्चा को कैंसर हो रहा है, उसकी वजह क्या, ये गांजा गुटखा मावा बिक रहा है, ओपन बिक रहा है आज है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट से ये जल्द से जल्द इनको सब रेड दाल को बंद करे तो बहुत अच्छा रहता है। मेरा नाम कैसर हुसैन बशीर अहमद इनामदार। एसएस न्यूज से जुड़े हर लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएस न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस चैनल से जुड़े हर नए मुद्दे आपको पसंद आए हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए एसएस न्यूज।